वादा किया जाता होगा कि इस वर्ष सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, लेकिन जो तो हकीकत क्या होती है, हकीकत यही होती है जो आप देख रहे हैं। ना तो बच्चे स्कूल इस रास्ते की वजह से जा सकते हैं और ना ही बुजुर्गों के लिए जो तो किसी सहूलियत भरा रास्ता कहा जा सकता है। सरकार के सारे वादे हुए फेल, ग्राम पंचायत अरखा टोला की सड़क देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सड़क के नाम पर आम जनता के साथ हुआ धोखा। बारिश के कारण स्थानीय निवासी कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। बारिश के कारण सड़क की हो गई है फिर से खस्ता हालत। एक बार फिर से सरकार के किए गए दावे हुए हैं फेल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हर साल बारिश होती ही है, लेकिन इस बार रीवा जिले की कोनीकला ग्राम पंचायत से एक ऐसा जुड़ा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जरा आप टूटी कीचड़ से भरी हुई सड़कों को देखें। यह वही सड़क है जिसे बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करने की बजट जारी किया गया था। राज्य सरकार के किए गए दावों के आम जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन यह सारी उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही है। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन ग्राम पंचायत कोनी कला के जनपद पंचायत जवा में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। यह सड़क बोलियानाथ मंदिर से चांद कुरैली बस्ती तक बनवाई जानी है। सड़क के उद्घाटन समारोह में गांव के सरपंच श्री केदार प्रसाद साहू समेत का या बड़े अधिकारी भी अनियंत्रित थे। अक्टूबर 2023 में इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन जुलाई 2024 को हो चुका है। अब तक निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। जरा आप एक बार सड़क को ध्यान से देखें। सड़क पर आपको कीचड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। सरकार के द्वारा इस सड़क निर्माण के लिए 57.21 लाख लगाने की घोषणा की गई थी। सड़क देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सड़क पर लाखों तो दूर की बात हजार रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप और ये आप देख सकते हैं बिहिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत का एक मोहल्ला है, अरखा टोला है, और जहां पर लगभग 1000 के करीब लोगों की बस्ती है और ये रोड है पूरी। जिस तरीके से आप यहां पर रोड देख रहे हैं, इसी तरीके से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है। लगातार यहाँ के लोगों की मांग रहती है और जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर चूना भी डाला गया, लेकिन चूना डाला जाने के बाद जो है तो बरसात में कुछ काम नहीं हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार स्थिति है, लगभग हर वर्ष इसी तरीके की स्थिति होती होगी और बरसात से पहले हर बार वादा किया जाता होगा कि इस वर्ष सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, लेकिन जो तो हकीकत क्या होती है, हकीकत यही होती है जो आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ है। जिस जगह पर हम लोग अभी हैं ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है और इसी तरीके का करीब 1.5 किलोमीटर का हिस्सा पीछे है मेरे और 1.5 किलोमीटर का एरिया मेरे इधर साइड है। और ये लोग जो है तो अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो किस तरीके से जाते होंगे, ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती होगी। ना तो बच्चे स्कूल इस रास्ते की वजह से जा सकते हैं और ना ही बुजुर्गों के लिए जो तो किसी सहूलियत भरा रास्ता कहा जा सकता है। हम लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे और देखा तो इस तरीके की स्थितियां हैं। और जिन गांव वालों को हर दिन इस रास्ते से गुजरना होता होगा तो उनके लिए कैसी स्थितियां होंगी, ये हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। अपना के नाम का है सिंहनाथ। ये गांव कौन है? यह बोलत है अरखा, अरखा डिहिया ग्राम पंचायत में होते हैं। तो ये रोड पास हो चुकी है? ये आरा मशीन अपना के गाँव में का समस्या ऐसा नहीं के नहीं बन लगी कितने लोगों की बस्ती हुई लगभग इनके? ऐसा नहीं है पूरा जो है तुम्हारे चलिए दिखाई दो आगे आगे अपना चली पानी
ये जुड़ा कहा है, कहीं कहाँ जुड़ी जी? ये वाली रास्ता अच्छा डेली में आराम मशीन पैसा ऐसा पास है कर सुनवे माँ बा जितने आगे जाओ उतने रोड खराब हो जाए अपना बजे से अगला बरसात यहीं से जो अपना के का नाम है तो पूरे ऐसा गांव भर के रोड ही है ना हाँ, तो बस्ती तो यहाँ हजारों लोग के लागत है स्कूल कहाँ है यहाँ के स्कूल लड़का जा पावत है के नहीं जा पावत है एक और टीचर ने कहा से जा ऐसे में तो आ जा तो ना हां लाला टीचर में कहां जा दे रहा है पढ़ते हो क्या नाम है अर्जुन तो ये रास्ता देखते हो तो जाते हो स्कूल नहीं किस कक्षा में हो अपनी तो हां नहीं सरपंच से कभी बात की है कि रोड नहीं बन रही स्कूल जाने में दिक्कत होती है जैसे तो कुछ आनी का ना कहीं तो जब सरपंच से सुनता ही नहीं तो का करें का कहा थे कोई का तो पानी बने तो पत्थर की कहीं की बोट दे ही बनी जब बोट दे गई तो हमको पता ही नहीं चली तो बोट बोट दिए तो 2-3 साल हो चुका है विधायक सांसद भी नहीं ध्यान दें हाँ रहे समय पर लेकिन सांसद विधायक यहाँ नहीं आ बता चुनाव के टाइम पर आए रहे जो कहीं पर हम चूना पड़ेगा चूना लगे तो बोल रहे कि पड़ी के खटिया में लग जाती है उसी होन तक उत्ती दो खटिया में लग जाती है उसी लग जाती है क्या करें बड़ी आपत चूना पड़ेगा गांव वाले का चूना लगे होगा चूना लगे है ना अब अपना ये करीब 2 किलोमीटर है इसने है ना वहाँ से अगर रोड से देखा जाए हम लोग बीच में आए बिल्कुल खड़े हैं आगे पार न हो पाऊ तो कहा चाहिए थे विधायक सांसद से या फिर सरकार से कहा चाहे कि बन जाए चाहिए और का कहा चाहिए क्या ही बड़ी आपत हम लोग बीमार हो या मरा हो तो खटिया में हॉस्पिटल जाए बाहर निकले तो सारे तो पेशाब को सफान है कि मैंने बाहर बाथरूम पर निकल गया था ना कहां तक गुफुआ पर रही है तो हमारे पास की बाहर नहीं खींचा कि एकदम का बन जाए कैसे बन जाएगी और भी बहुत है अरे तब स्वागत जो कुछ नहीं डायरेक्ट में और ये डायरेक्ट चला जाएगी नहीं तो कोई क्या लगता है कहा मोदी को नहीं पता होगा अब विधायक जो विधायक और सांसद बनाते हैं आप लोग तो वो मोदी जी को वोट देके तो बनाते हैं जैसे दिवराज सिंह कहीं तो हम बर्बाद है वहाँ तक फिर भी जाते हैं जहाँ जीत भी का ही नहीं राजा राजा यही अब देख के चले गए कहीं बर्बाद है भैया आप तक नहीं आया सांसद जी संसद तो हम नहीं अर्थ नहीं उनका अवे नहीं है हम तब जीत गए हाँ तब जीत
जिता तो तीन बार चुके, तीन बार जीत चुके विधायक। विकास यही आए है। बड़े आदमी के अलावा कई गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये खबर इन लोगों के लिए कुछ बेहतर साबित होगी और निश्चित तौर पर इस बस तो अगर हम उम्मीद ना भी करें तो अगले वर्ष तक ये रोड बनेगी और यहाँ के लोगों को एक बेहतर सुविधा मुहैया हो पाएगी। साथ ही जानकारी के लिए हम बता दें कि इस ग्राम पंचायत के आगे जो दूसरा ग्राम पंचायत रिमारी आता है, जहाँ से उसकी सीमा प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर TCC रोड का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन यहाँ अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद, कीचड़ भरा रास्ता होने के बाद भी, और बार बार जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आने, लोगों को दिलासा देने, वोट लेने, और उसके बावजूद जो यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बने रहें, उम्मीद करते हैं कि ये आवाज लोगों तक पहुंचेगी और इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।